हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनेद और आप देख रहे हैं जुनी फॉर यू। आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। हम किसी भी डेस्कटॉप को रिमोटली यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी पर। जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप है, मल्टीपल पीसीज वगैरह होते हैं। अगर आपको किसी पीसी में से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी पेस्ट करने हो, बहुत उनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं और आप वैसे कॉपी भी नहीं कर सकते, आपके पास बड़े स्टोरेज यूएसबी वगैरह भी नहीं है, तो हम कैसे कॉपी कर सकते हैं? तो हम उसे रिमोटली यूज़ करते हैं। हमें हमारे कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, विंडोज़ में ऑलरेडी होता है और उसका नाम है रिमोट कनेक्शन, डेस्कटॉप कनेक्शन। ओके, ऐसे वैसे हम बोलते हैं रिमोटली आप यूज़ कर सकते किसी भी कंप्यूटर को। जैसे कि मैं अभी अपने कंप्यूटर को यहाँ रिमोटली यूज़ करूँगा और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप में कॉपी करूँगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपने विंडोज़ में जाना है। ओके, स्टार्ट में आपको सर्च करना है रिमोट। ओके, रिमोट सर्च करना है आपको, ऊपर देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप खुलेगा और आपको आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा नेटवर्क वॉचर। ओके, नेटवर्क वॉचर, आप वायरलेस वॉचर भी उसको बोल सकते हैं, आप जो बोलें सर्च करें आपको मिल जाएगा। और गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद सिंपली आप सर्च करेंगे और यहाँ लिखेंगे नेटवर्क, नेटवर्क वॉचर आ गया। ये फाइल हिपो से आपको मिल जाएगा, 300 KB की फाइल है मिनिमम, 300 से अबव होगी मेरे ख्याल से, और आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 337 KB की फाइल है, आप इसे सिंपली इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इससे ये होगा कि आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपके जो भी आप जिसको रिमोटली यूज़ करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस क्या है। ये लोकल आईपी एड्रेस को कॉपी करता है और आपको ये शो करवाता है कि आपके राउटर के साथ कौन कौन कनेक्ट है। आप देख सकते हैं ये नीचे वाला जो हमारा लैपटॉप है, आप देख सकते हैं जुनी लैपटॉप। ओके, हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। ये नहीं है, ये मेरा लैपटॉप है, ये ऊपर वाला, ये 100। ओके, जुनी पीसी, ये मेरा पीसी है। हम अपने पीसी को लैपटॉप के ऊपर कॉपी कैसे करना है, आपका आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, ओके करने के बाद आपको पासवर्ड देना है। आपको अपने पीसी पे पासवर्ड रखना है जिसे आप रिमोटली अपने लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ अपने कंप्यूटर का पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, जो मेरा पासवर्ड है। ओके, आप देख सकते हैं अभी ये आप में से यस करेंगे तो ये हमारा कंप्यूटर हमारे लैपटॉप के डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं वहाँ से क्लोज हो गया और ये यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारा लैपटॉप है, ये चार्ज हो रहा है और ये मेरा पीसी है। ओके, तो हम करेंगे क्या, इसे छोटा करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कॉपी करना हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे सिंपली कॉपी करना चाहते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर से लैपटॉप में, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। ओके, आप देख सकते हैं आप जो भी चाहें या कर सकते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई भी हाई डेफिनेशन वीडियो वगैरह आप सिंपली इजीली यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे है कॉपी करने का, तो मैं सोचा मैं शेयर कर लूं अपने दोस्तों के साथ। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे और कुछ बिगिनर होंगे वो नहीं जानते होंगे। ओके दोस्तों, अगर किसी की हेल्प हो तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इनके रिलेटेड दूसरे बताऊँ, दूसरे कंप्यूटर को मॉनिटर कैसे करते हैं, आपके राउटर के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं सबको मॉनिटर कैसे करते हैं, एक ही एक सॉफ्टवेयर है, आप उसे यूज़ करके तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत से पीसी हम कनेक्ट कर सकते हैं और रिमोटली यूज़ कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों को मॉनिटर करने के लिए पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों को मॉनिटर वगैरह करते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ओके, उनके लिए है स्पेशली, और एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए है,
ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। तकरीबन हम 200-300 की तरफ जाने ही वाले हैं, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं आईटी में डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रिलेटेड ये वीडियो चैनल इसी के रिलेटेड होगा, आपके साथ हर चीज़ वो शेयर करूँगा जो मैं सीखूँगा। आई होप आप मेरा साथ ऐसे देते रहेंगे और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। होप अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।